हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और अगर उसने वसीयत नहीं बनाई है तो उसके उत्तराधिकारी कौन कौन है, उसके जो उत्तराधिकारी कौन कौन है, कौन लोग हैं जिनका सबसे पहला अधिकार उनकी संपत्ति में आता है, कितने लोगों का अधिकार बनता है, कितने लोग उत्तराधिकारी बनते हैं, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आपके सारे यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किन लोगों का अधिकार आएगा, किन लोगों को उत्तराधिकारी की श्रेणी में आएगा और किसका पहला अधिकार आएगा, किसका बाद में अधिकार आएगा, ये सारा डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सारा कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक पूरी तरीके से देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सके और वीडियो को आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए समझते हैं कि क्या है, कौन कौन लोग हैं जो कि उत्तराधिकारी में आएंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें तो भारत में अलग अलग समुदाय को पर्सनल लॉ यहां पर दिया गया है जो कि इसके लिए उत्तराधिकारी के लिए और संपत्ति के लिए यहां पर वो लोग उसके लिए पर्सनल लॉ है। तो यहां पर हिंदू लोग के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में दिया गया है और उसमें यहां पर सारे चीजें क्लियर की गई है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और अगर उसने वसीयत नहीं बनाई है तो उसके कौन कौन उत्तराधिकारी बनेंगे। तो बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि चार श्रेणी में इसे बांटा गया है कि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, फिर दूसरी श्रेणी के उत्तराधिकारी, तीसरी श्रेणी के उत्तराधिकारी और चौथी श्रेणी के उत्तराधिकारी। यहां पर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है वो तद्दन विभिन्न है, अलग है दूसरी श्रेणी के उत्तराधिकारी से। दूसरी श्रेणी के जो उत्तराधिकारी है वो अलग है तीसरी श्रेणी के उत्तराधिकारी से और तीसरी श्रेणी के जो उत्तराधिकारी है वो अलग है चौथी श्रेणी के अलग उत्तराधिकारी से। अगर कोई व्यक्ति जो मृत्यु हो जाती है और वसीयत नहीं बनाई है तो उसकी सबसे पहले जो उत्तराधिकारी होते हैं वो प्रथम श्रेणी के होते हैं। अगर वो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी अवेलेबल नहीं है तो ये जो संपत्ति के उत्तराधिकारी दूसरी श्रेणी के लोगों को यहां पर उनका अधिकार होता है। अगर प्रथम और दूसरी दोनों श्रेणी के उत्तराधिकारी अवेलेबल नहीं है तो मृत्यु हो गई है उनकी तो तीसरे श्रेणी के जो उत्तराधिकारी हैं उनका यहां पर अधिकार होता है। और अगर प्रथम दूसरी और तीसरी श्रेणी के उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई है तो चौथी श्रेणी के उत्तराधिकारी को यहां पर उनका उत्तराधिकार मिलता है। यानी कि यहां पर आपको मैं बताऊं कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो गई है और अगर उसने वसीयत नहीं बनाई है तो केवल उसके बच्चे या उसकी विधवा ही उत्तराधिकारी नहीं होंगे बल्कि 16 लोग यहां पर उत्तराधिकारी होते हैं। तो हमें पहले हम जानते हैं कि सबसे पहला अधिकार, सबसे प्रथम श्रेणी के मुख्य जो उत्तराधिकारी है वो कौन है। तो मुख्य उत्तराधिकारी चार लोग होते हैं। पहला उसकी माता, दूसरा उसकी विधवा पत्नी, तीसरा उसका बेटा और चौथा उसकी बेटी। ये प्रथम श्रेणी के मुख्य उत्तराधिकारी है। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वसीयत नहीं बनी है तो सबसे पहला अधिकार इन चार लोगों का आता है। यहां पर सबसे पहला अधिकार अगर उसकी माता जीवित है मृत व्यक्ति की तो उनका अधिकार आता है, अगर उनकी पत्नी जो विधवा है तो उनका अधिकार आता है और फिर बेटा या बेटी या फिर दोनों का अधिकार यहां पर आता है। मान लीजिए कि ये प्रथम श्रेणी के मुख्य उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, इनकी भी मृत्यु हो गई है तो यहां पर उसके बाद कौन, तो उसके बाद आता है बेटे का बेटा, बेटे की विधवा और बेटे की बेटी। यहां पर इनका ये अधिकार उत्तराधिकारी आते हैं। यदि दूसरी श्रेणी के आप मान के चलिए कि अगर ऊपर जो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी जीवित नहीं है तो यहां पर ये उत्तराधिकारी कौन बन जाएगा, बेटा तो मृत्यु हो चुका है तो उसकी बेटा, बेटा के बेटा, फिर बेटे की विधवा और बेटे की बेटी दूसरी श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। अगर प्रथम श्रेणी के नहीं है जीवित, मृत्यु हो चुकी है तो इन लोगों का उत्तराधिकार यहां पर बनता है। मान लीजिए ये भी लोग जीवित नहीं है, यानी कि बेटे का बेटा, बेटे की बेटी और बेटे की विधवा, ये भी मृत्यु हो चुकी है उन लोगों की, तो यहां पर
अब तीसरी श्रेणी आप मान के चलिए, तो यहां पर तीसरी श्रेणी में आता है पोते का बेटा, पोते का बेटी और पोते की विधवा, यानी कि यहां पर बेटा नहीं है और बेटे का परिवार नहीं है, तो यहां पर पोते को उत्तराधिकारी यहां पर बनाया जाता है, उसको संपत्ति मिलती है, तो ये संपत्ति यहां पर तीसरी श्रेणी आप मान के चलिए, तो ये पोता पोते पोता तो है नहीं, तो पोते का बेटा आता है या पोते की बेटी या फिर पोते की विधवा आती है। अब मान लीजिए तीसरी श्रेणी भी यहां पर मृत्यु हो चुकी है, ये भी यहां पर जीवित नहीं है, तो ये जो संपत्ति है बेटी की, जो भाग है बेटी की संपत्ति है वो चली जाएगी बेटी की ओर। अब बेटी की जो है चौथी श्रेणी वो किस में किन लोगों में डिवाइड होगी, बेटी की ओर से जो श्रेणी की बात करें तो यहां पर उसमें आता है बेटी का बेटा और बेटी की बेटी, इसके साथ साथ नातिन का बेटा और नातिन की बेटी भी उत्तराधिकारी में आते हैं, इसके साथ साथ नवासी की बेटी और नवासी का बेटा भी उत्तराधिकारी में आता है। तो अगर बेटी का जो हिस्सा है और बेटी मृत्यु हो चुकी है बेटी, तो उसका पूरा हिस्सा यहां पर इन लोगों का उत्तराधिकारी में वो लोग आते हैं। अभी मैं आपको एक और बात बता दूं कि दामाद है वो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में नहीं आते हैं, लेकिन बहू है वो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में आती है, बहू की बहू है वो भी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी में आते हैं, यानी कि जो बेटा है उसकी विधवा और उसके बच्चे हैं वो प्रथम श्रेणी में आते हैं, लेकिन यहां पर दामाद है वो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में नहीं आते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी है, ये हायरार्की है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति है और उसने वसीयत नहीं बनाई है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति इन 16 लोगों में बंटती है, यानी कि इन 16 लोगों को उत्तराधिकारी में उसको माना बनती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जनरली हमने अक्सर यही देखा है कि प्रथम श्रेणी के मुख्य जो 4 उत्तराधिकारी हैं वो अवेलेबल होते ही है, तो बाकी के दूसरे तीसरे जो श्रेणी है वहां पर बंटवारे की यहां पर नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर प्रथम मुख्य जो उत्तराधिकारी है, प्रथम श्रेणी का जो मुख्य उत्तराधिकारी है, अगर वो नहीं है तभी उनके नीचे की श्रेणी को उत्तराधिकारी के तौर पे यहां पर उनको अधिकार मिलेगा, लेकिन अगर वो है जीवित है तो अगर और उनमें से कोई एक भी जीवित है तो उनको डेफिनेटली यहां पर पूरा अधिकार मिल जाता है, तो नीचे की श्रेणी का यहां पर जो है उत्तराधिकार नहीं बनता है। तो ये था कि अगर कोई प्रथम श्रेणी का, हमने जनरली यही देखा है कि जैसे ही अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी विधवा है या फिर उसका बेटा है या फिर उसकी बेटी है उन लोगों में संपत्ति बट ही जाती है, तो उसके नीचे की जो उत्तराधिकारी की श्रेणी है वहां पर यहां पर उनका जो अधिकार है वो जब तक उनके, जैसे कि माँ बेटा है तो बेटे का बेटा या बेटे की बेटी की संपत्ति या उत्तराधिकारी की, तो अब यदि बेटा ऑलरेडी उन्होंने जो है उत्तराधिकार ले लिया है, अब जब बेटा नहीं रहेगा तब उस संपत्ति में जो बेटे का बेटा और बेटी की बेटी का यहां पर उन लोग संपत्ति में उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन बेटा है तो वो यहां पर उनका ये दूसरी या ये उनकी श्रेणी का नंबर नहीं आता, यानी कि प्रथम श्रेणी का नंबर आता है, अगर वो नहीं है तो दूसरी श्रेणी का उत्तराधिकारी बनता है, अगर दूसरी श्रेणी नहीं है प्रथम और दूसरी दोनों तब तीसरी श्रेणी का यहाँ पर उत्तराधिकारी बनता है, और अगर तीनों श्रेणी नहीं है, तीनों श्रेणी के जो व्यक्ति है वो मृत्यु हो चुके हैं, तभी यहाँ पर चौथी श्रेणी का यहाँ पर उत्तराधिकारी बनता है। तो ये था हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी कौन है, किसका पहला अधिकार है और किसका बाद में है और कौन अधिकारी उत्तराधिकारी बनेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट में अपना सवाल रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज लीगल वीडियो आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।